तालियां मेरे लिए बजाइए इससे ज्यादा खुदावंद से मुझे दे रहा है एक या दो मिनट ज्यादा नहीं आप सब कलीसिया मेरी तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाए और मेरे लिए खुदा से तौफीक मांगे कुव्वत मांगे हालेलुया खुदा तेरा शुक्र है खुदा आज मैं गठू तू बढ़े मैं छुपू तू दिखे मैं पस्त हो जाऊं तू मुझ में जाहिर हो खुदा बाप आज कलाम जब खोला जाए तो जिंदगी आंसूदा हो जाए तू बंजर जमीन को खराब करता है खुदा बाप तू बोने वाले को बीज मुहैया करता है जो बीज तूने मुझे मुहैया किया है मुझे ऐ खुदा खुदा लफ्जों की तरतीब देना आलमे वाला सी कुवत का लिबास देना ताकि मैं वो बीज लोगों की जिंदगियों में अच्छे से बो सकूं सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मसीह यीशु के अजीम बाबरकत कदूस और जलाली नाम में आप सबको सलाम अच्छा आज आपसे आज जैसे कि आप सबको पता है कि आज वुमेन संडे और यकीनन बहन भी बोल रही थी कि आज वुमेन ज्यादा हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि हमेशा ही वुमेन ज्यादा होती हैं हालेलुया ये खुदा का फजल है तो आज हम जिस टॉपिक पे सीखेंगे या जिस टॉपिक के अनुमान पे मैं बात करना चाहती हूँ वो है आज की आस्तर कौन बहन बीच बीच में बता रही थी तो मैं सोच रही थी कि मेरा मैसेज शेयर करती जा रहे हैं तो मैं खुश भी हो रही थी ये शुक्र है खुदावन कि आप अपने लोगों के साथ एक से दो के साथ कलाम करते हो तो मैं खुश थी इस बात के लिए तो आज हम देखेंगे कि आज की आस्तर कौन है ठीक है किस किस ने आस्तर के मुतल्लिक कभी कलाम सुना है और उसको उस इंसान को उसकी कोई एक खूबी अच्छी लगती है क्या आप शेयर करना चाहेंगे मुझसे जी ये भी बहन आस्तर है जी इनको आज आगे बताते हैं जी आज है के साथ वफादार थी और वो अपने लोगों के लिए अपनी कौम के लिए बड़ा दर्द और बड़ी हमदर्दी रखती थी ताकि मेरी कौम जो इस वक्त दुख है मैं उसे हम रुखाई दिलवा सकें हालेलुया यकीनन उसकी जो क्वालिटीज हैं ना आज हमने उन पर ही बात करनी है मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप मेरी ना सुने ये ना हो कि सुन सुन के सुननी हो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप भी मुझे अपने बताएं कि आपको उसकी क्या क्वालिटी अच्छी लगती थी कोई और बताना चाहेगा जी बिल्कुल सही जवाब है नडर खातून थी और कोई जी बिल्कुल सही जवाब है जी और कोई जी बिल्कुल सही जवाब जी एक और कंप्लीट कर दे पांच पूरे हो जाएंगे फिर हमने भी पांच में बात करनी जी बिल्कुल सही जवाब है खुदा के साथ वफादारी से चलती थी तो आए बाइबल मुकद्दस में से हम अपनी सलाह के लिए देखेंगे आस्तर की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी बीसवीं आयत इसका पहला पॉइंट है फरमाबरदार थी आप में से किसी ने जवाब दिया था फरमाबरदार थी जी आज आपने हवाले पढ़ने में भी मेरी थोड़ी सी मदद कर दी पहला हवाला मैं खुद ही पढ़ देती हूँ आस्तर की किताब दूसरा बाब उसकी बीसवीं आयत और आस्तर ने ना तो अपने खानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था जैसा मर्दगी ने उसे ताकीद कर दी थी इसलिए कि आस्तर मर्दगी का हुक्म ऐसे ही मानती थी जैसा उस वक्त जब वो उसके हाँ परवरिश पा रही थी आमीन खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पे खुदावन की बरकत हो खुदावन का शुक्र यहाँ पे लिखा है कि जब आस्तर मलका बन जाती है और महल में जाती है ना सिर्फ वो तब ही अपने मर्दगी जिसने उसे पाला होता है आस्तर एक यतीम लड़की होती है उसकी सबसे क्वालिटी बड़ी है और आज अगर देखा जाए तो यतीम होना अक्सर लोग समझते हैं कि ये बड़ी गुनाह की बात है या वो बच्चे जो यतीम होते हैं वो अपने आप को इस कदर कहते हैं कि हमने क्या गुनाह किया था खुदा ने हमसे हमारे माँ बाप छीन लिए या कुछ ऐसा बड़े वो नेगेटिविटी उनके दिल में होती है लेकिन आस्तर भी एक यतीम बच्ची थी और मर्दगी उसका चचा साथ भाई था जिसने उसे पाला था तो हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि एक यतीम लड़की जिसने जो कि कौम की निजात का
हालेलुया इसी तरह हम देखते हैं कि वो फरमाबरदार थी जब वो महल में जाती है जब वो महल में जाती है तो मर्दगी ने उसे कहा था कि तूने अपने यहूदी होने का नहीं बताना और वो ऐसे ही करती है जब वो महल में मलका बन के चले जाती है तब भी वो अपने बाप की ऐसे ही इज्जत करती है जैसे कि वो पहले करती थी इसी तरह अगर हम आज आम दुनिया में देखें तो अगर लड़कियां किसी अच्छे ओहदे पर हों या किसी अच्छी सीट पर हों तो वो अपने माँ बाप को यह भी जानना शुरू कर देती है मैं गुज़िश्ता दिनों किसी एक्टर का सुन रही थी टीवी में वो बड़ी अमीर हो गई थी बड़ा पैसा था उसके पास उसने क्या किया अपने माँ बाप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा माँ बाप तो मेरे पैसे के पीछे है यहाँ तक कि मैं हैरान थी कि जिस माँ बाप ने इसको पाला ये उस पर इल्ज़ाम लगा दी कि आज ये बड़े होते पर है इसके पास पैसा है और ये अपने माँ बाप को कहती है कि ये मेरे पैसे के पीछे है जिसने अपनी सारी जिंदगी उस पर निछावर कर दी वो अपने माँ बाप की फरमा बरदार नहीं तो क्या वो कभी किसी और की फरमा बरदार होगी हरगिज़ नहीं आज ऐसा ही है कि औलाद अपनी माँ बाप की फरमा बरदार नहीं है और इसी वजह से सबसे ज्यादा मार हम यहाँ पे खाते हैं जब हम नाफरमानी करते हैं ना तो हम खुदा के वफादार फरमा बरदार होते हैं और ना ही इंसान और इसकी दूसरी बड़ी क्वालिटी जो मुझे अच्छी लगती है जिस पे हम आज बात करने को है किरदार चाल चलन इसका चाल चलन बहुत जबरदस्त था बाइबल में मैं खवातीन ने बाइबल लाइब्रेरी से लाई थी बाइबल स्कूल से तो मैं पढ़ रही थी वहां पे लिखा है ये खूबसूरत तो थी लेकिन इसकी सीरत उससे भी ज्यादा अच्छी थी इसका चाल चलन परफेक्ट था और बाइबल में खुदा को जब किसी का चाल चलन पसंद आता है तो खुदा उसको बहुत ज्यादा बरकत देता है और सरफराज करता है और इसकी इंसान हम लड़कियों में या खवातीन में नहीं देखते बल्कि हम पैदाइश की किताब में देखते हैं कि जब याकूब के बेटे यूसुफ का किरदार चाल चलन खुदा को पसंद आया था तो खुदा ने उसे सरफराज किया था ना सिर्फ औरतों का चाल चलन खुदा को परफेक्ट चाहिए बल्कि आदमियों का वो चाहता है कि इंसान का चाल चलन उसकी खुशखबरी के मुआफिक हो और फिलिपियों 1:27 में लिखा है कि बस इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन किसी की खुशखबरी के मुआफिक हो और इसी तरह पहला तिमोथियस 4:12 में भी लिखा है कि तुमने चाल चलन में दूसरों के लिए नमूना बनना है आज हम नमूना कब नमूने जाते हैं ऐसा ही है सही बात है आज हम नमूना नहीं बनते हम नमूने बने हुए हैं इसी तरह अगर मैं देखती हूँ तो ये पिछले दिनों में जो लूथ फोर थी मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा उसका जनाजा कराची में हुआ ना शायद आज तक किसी का हो तो हमारे सर भी गए हुए थे तो वो बता रहे थे कहते हैं कि क्रिश्चियन से ज्यादा वहां पे मुस्लिम लोग थे और यकीन करें कि जब मैंने उसका आर्टिकल उसकी डेथ के बाद पढ़ा तो उसमें एक शख्स था जो कि पैरागॉन में से था लेकिन वो इतना रो रो के कहता है कि वो पाकिस्तान में नूर थी नूर की मालिक थी और हमारी अम्मा थी हम दुख करते हैं कि हमारी अम्मा हमसे छीन गई एक मुस्लिम लड़का जो था वो ऐसे रो रो के उसके लिए अल्फाज कह रहा था लेकिन क्यों क्योंकि उसने अपना चाल चलन अपना किरदार आज इस पाकिस्तान की कलीसिया के लिए आज गैर अकवाम के आगे ऐसे रखा हुआ था जैसे कि मसीह की खुशखबरी के मुआफिक वो नमूना थी दूसरों के लिए तो जब वो मरी तो लोग रोते थे और कहते थे कि ये हमारी अम्मा थी हमारे लिए नमूने का बायस थी बहुत कुछ हमें सिखा के गई लेकिन अफसोस की बात आज ये है कि आज हमारी बहू बेटियों या वुमेन्स का या इंसान का देख लें किरदार मसीह की खुशखबरी के मुआफिक नहीं है आज बड़ा अलमिया ये है कि आज हम खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलते और ना ही अपने किरदार को पाक करते हैं मैं देखती हूँ कि एक लड़की का किरदार सफेद पोशाक की मानी है जिसे हर तरह के दाग दबों से बचने की जरूरत है कि कहीं कोई छींटा मुझे कहीं से ना लग जाए कि मेरी इज्जत या मेरे किरदार पर कोई उंगली उठे
हालेलुया खुदावन चाहता है कि हम पाप हों बेऐब हों और खुदावन को भी ऐसी कलीसिया ही पसंद है ऐसी दुल्हन पसंद है जिसमें कोई दाग कोई धब्बा कोई छुरी ना हो आज खुदा भी हमसे धोखा करता है कि हमारा किरदार मसीह की खुशखबरी के मुआफिक हो लेकिन आज हम दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं आज हम दूसरी चीजों का अहमियत देते हैं लेकिन हम खुदा से तवक्को नहीं करते कि खुदा तू मेरा किरदार अपनी खुशखबरी के मुआफिक बना खुदा मुझे संभाल ताकि मेरा किरदार पाक हो मैं तुझे पसंद आऊं और सबसे ज्यादा मुझे जो मैं जो समझती हूँ खुदा को पसंद है वो है पाकीज़गी खुदा को पाकीज़गी बहुत ज्यादा पसंद है और खुदा पाक खुदा है उसकी एक सिफात है कि वो पाक है और वो पाकीज़गी को पसंद करता है और वो चाहता है कि उसके लोगों में भी पाकीज़गी हो हालेलुया इसी तरह जब हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दूसरों के लिए अपनी जान की परवाह करने वाले ना करने वाले आठवें बाप की तीसरी आयत बहन एस्टर की आज पढ़े क्योंकि इनकी हमसे जो उसके इसलिए से ही हम पढ़ रहे आठवें बाप की तीसरी आयत जब आज तक मलका तो बन गई लेकिन बादशाह के महल में अब तक महल में तो चलेगी लेकिन ये बादशाह के सामने अभी तक ना गई थी और मैं खवातीन बाइबल में पढ़ी थी तो वो बता रहे थे 5 बरस तक वो उसके सामने नहीं गई तो जब और बादशाह के तब के ये रूल थे मादी और फारसियों के ये रूल थे कि उनके रूल चेंज नहीं होते थे और उनके रूल बहुत ज्यादा सख्त होते थे और बादशाह की इजाजत के बगैर कोई भी इंसान जो है बादशाह के महल में हाजिर नहीं हो सकता था और आस्तर जो थी उसको बादशाह की बादशाह ने उसे नहीं बुलाया था लेकिन उसको अपनी कौम के लिए वहां पे जाना पड़ा ताकि वो अपनी कौम को बचाए और बादशाह के आगे अपनी दरख्वास्त को रखे जब वो जाने को होती है तो वो कहती है उसका मर्दी जो है वो कहता है कि तू जा और अपनी कौम के लिए बादशाह के आगे जा और उससे दरख्वास्त कर जब वो जाती है तो वो पहले कहती है कि पहले खुदा पहले तो वो थोड़ा सा डरती है लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है मैं जाऊंगी अपनी कौम के लिए आज सबसे बड़ा दुनिया ये है कि आज कौम के लिए कोई नहीं जाना चाहता आज कौम के लिए कोई भी दर्द नहीं रखता आस्कर वो लड़की थी जिसके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द था और ये चाहती थी कि मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी कौम को बचाऊंगी और अपनी जो दरख्वास्त है बादशाह के आगे रखूंगी और जब ये जाती है तो वहां एक असूल ये भी था कि जब बादशाह बादशाह के हाथ में एक आसा होता था लाठी की तरह उसको आसा कहते हैं तो वो सोने से मंडा होता था अगर बादशाह वो आसा नीचे की तरफ करता था तो इसका मतलब था कि जो इसका मतलब होता था कि जो शख्स आया है उसको कत्ल का हुक्म दिया जाता था लेकिन अगर वो आसा ऊपर की तरफ करता था तो उसका मतलब ये होता था कि उस शख्स की जान बख्शी गई तो जब आस्कर महल में जाती है बादशाह की इजाजत के बगैर तो बादशाह अपना आसा ऊपर की तरफ उठाता है जब बादशाह अपना आसा ऊपर की तरफ उठाता है तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि वो बादशाह की नजर में मंजूर हुई और बादशाह ने उसकी जान बख्श दी तो खुदा के उसके लिए उसके अपने उसके दिल में अपनी कौम के लिए बहुत दर्द होता है अगर आज के रिश्तों में देखा जाए तो कौन जाता है अपनी कौम के लिए हम अपने घरानों को नहीं बचा सकते हम कौम को क्या बचाएं इसी तरह जब मैं मिशनरीज को देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से खुश हो जाती हूँ मैं कि खुदावंद ये भी तो है यंग लड़कियां आती है बाहर के ममालिक से एक हमें पढ़ाने के लिए आई थी ब्रिटिश खातून मुझे उनका नाम नहीं आ रहा पिछले 30 साल से वो यहाँ पे लाहौर शहर में खिदमत करती हैं लेकिन आज हमारी बहू बेटियां सिर्फ उनकी सोचें महदूद हैं वो अपनी कौम का दर्द नहीं रखती वो अपने घरानों का दर्द नहीं रखती वो अपनी मसीही कलीसियाओं का दर्द नहीं रखती लेकिन जो बाहर से खवातीन आती हैं आप उनको देखें क्या वो किसी की बेटियां नहीं होती क्या वो जवान लड़कियां नहीं होती क्या वो नहीं चाहती उनकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती लेकिन वो हमारे लिए हम जैसे लोगों के लिए अपना सब कुछ कर करके आती हैं ताकि हम में बीज बोया जाए हम में खुदा के कलाम
बच्चियों की या हमारे वुमेन्स की तीन नीड्स हैं और जिन पर आज मैं फोकस करने को हूँ और आपकी मैं इस चीज को मैं आपके दिल में डालना चाहती हूँ कि वाकई में और यकीनन ऐसा ही है। आज हमारी तीन जरूरतें हैं हमारी लड़कियों की। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा प्यारा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना और घूमना फिरना। सबसे ज्यादा आज फोकस जो है इस बात पे किया जाता है। दूसरी नीड जो सबसे ज्यादा हमारी लड़कियों की है, स्मार्टफोन। और तीसरी नीड बॉयफ्रेंड के साथ। आज देखा जाए तो बड़ा आदमिया ये है, हर किसी की जरूरत पूछे ना कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज का शौक है या आपको क्या चाहिए, तो ये ही कहता है कि मुझे स्मार्टफोन चाहिए। इंसान पूछे क्या स्मार्टफोन ही सब कुछ है? खुदा कुछ भी नहीं। जिसने आपको बनाया, जो चाहता है कि आप उसकी हम करें, जिसने अपने आपके लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, आज आपकी जरूरत सिर्फ स्मार्टफोन तक महदूद है। आज आपकी जरूरत सिर्फ किसी अजनबी के लिए अपने माँ बाप को रुलाने की है, क्या आज आपकी जरूरत है कि सिर्फ खूबसूरती दिखे? नहीं। आस्तर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि खूबसूरत लड़की थी और सीरत के लिहाज से परफेक्ट थी और उसका किरदार मसीह की छोटी के मुआफिक था। आज मोबाइल पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी कि अक्सर हमारे जो यंगस्टर हैं इन्होंने बहुत खराब किया मोबाइल को, लेकिन मैं कहती हूँ बहुत फायदेमंद चीज है, बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। हम खुद इसे खराब करते हैं और हम खुद इसे गलत यूज करते हैं। मैं इस बात से हमेशा इख्तलाफ करती हूँ कि मोबाइल गलत चीज है। मोबाइल में जितनी आपको घर बैठे बिब्लिकल नॉलेज मिल सकती है ना, शायद ही किसी को मिलती हो। और मैं भी खुद भी ये ख्वाहिशमंद हूँ कि खुदा मुझे भी स्मार्टफोन दे ताकि मैं घर बैठे खुदावंद के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी बुक्स होती थी बाइबल स्कूल में जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, साफ सीधी बात है। और मेरे सर कहते थे ना, तुम्हारे पास स्मार्टफोन होता मैं तुम्हें सारी बुक्स ही मोबाइल में डाल देता। और मैं तब से दुआ करती हूँ कि खुदावंद मुझे स्मार्टफोन चाहिए किसी गलत काम के लिए नहीं बल्कि तेरे जलाल को जाहिर करने के लिए। और बात करना चाहूंगी, शायद कलीसिया में मुनासिब ना भी समझा जाए, लेकिन मैं माजरत के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर किसी का बॉयफ्रेंड हो। आज सबसे ज्यादा हमारी लड़कियां इस चीज में फंसी हुई है और मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है। उनके साथ रूहानी जंग इतनी ज्यादा इन्वॉल्व होती है कि माँ बाप सोच भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि हमारी बेटियां गलत है। मैं ये नहीं मानती कि बेटियां गलत है। वो खुद जिस फंदे में फंस चुकी होती है या पुलिस को जिस तीर का वो शिकार होती है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं यंगस्टर्स को और जो कुंवारी लड़कियां उनको हमेशा एक बुक कहती हूँ कि जरूर पढ़े, जहन का मैदान जंग। मुझे भी ये बुक नहीं मिलती, मैं पास्टर साहब के घर से लेके जाती हूँ, लेकिन वो कहते हैं एक ही है, पढ़ के फिर दे आती हूँ। आज तक मैंने भी पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने इसके दो तीन टॉपिक्स पढ़े हैं। मैं कहती हूँ कुंवारी लड़कियों के लिए ना, मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा जबरदस्त ये बुक है। अगर आप ये बुक पढ़ लेना तो आपके जहन में जो अबरीज के तीर चलते हैं आप उनसे रिहाई पाएंगे, मेरा ईमान है। हालेलुया। इसी तरह हम अगर देखते हैं तो हमारी तीन जरूरतें हैं, बार बार इस पे जो नहीं दिलाऊंगी, लेकिन हमारी आज की लड़कियों की सबसे ज्यादा तीन जरूरतें हैं। और देखा जाए तो आजकल जब मोबाइल लिया जाता है तो पहले पूछा जाता है इसमें कौन कौन सी ऐप है, और आजकल तो नेट पे वो टिकटॉक वो भी बड़ा चल रहा है, मुझे तो सही इसका पता नहीं, लेकिन हर जो नई चीज आती है हमारे मसीही उसी में गुस्से होते हैं। आप कभी भी तनाव में गुस्से हैं क्या? कभी आप कुरान में आपने देखा है कि खुदा ने आपके लिए क्या आयत दी है, खुदा ने आपके लिए क्या है काम दिए हैं? आज हमारे मसीह हर वो नई चीज जो दुनिया में होती है उसमें गुस्से होते हैं, लेकिन कभी भी कोई कलाम में नहीं गुस्सा, कभी भी किसी ने ये नहीं देखा कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है, औरतों के मुतल्लिक क्या कहता है, खुदा बेटियों से क्या चाहता है। किसी को इस चीज की जरूरत नहीं। आज सबको बस ये तीन चीजें जो है टॉप ऑफ द लिस्ट में सबसे पहले तीन नंबर पर आती हैं।
और मैं चाहती हूँ कि ये सब तीनों चीजें जो हैं गलत आज टॉप ऑफ द लिस्ट में खुदावंद होना चाहिए. खुदावंद हमारी जिंदगियों में अव्वल दर्जा सिर्फ खुदा का होना चाहिए. जब किसी की जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का होता है तो खुदा उसे सरफराज करता है. आस्तर को देख रहे किसी चीज का लालच ना था, चाहती तो अपने बाप को जिसने उसे हुक्म दिया कि तू जा कौम के लिए मिन्नत कर, मांग के मेरी कौम बख्शी जाए, क्योंकि तब यह फरमान जारी हो चुका था कि तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए. और आस्तर खुद भी यहूदी थी और नस्ल से वो भी यहूदी थी. तो मर्दगी कहता है कि जा बादशाह के हुजूर और उससे कह कि मेरी कौम की जान बख्शी जाए. और वो जाती है और कौम की जान बख्श दी जाती है. ऐसी लड़की जो अपनी कौम के लिए दुख रखती, दर्द रखती, सहती कि खुदा खुदा से मांगती कि खुदा तू मेरी कौम को रिहाई दे, तू मेरी कौम को बख्श दे. वो जान चाहती तो हमारी तरह वो भी मलका बन गए. मैं तो बड़े होते पे हूँ, मैं क्या करूँ, कौम जाती है तो जाए, मैं क्या करूँ, बस ठीक है मैं तो अच्छे महल में आ गई हूँ, मुझे क्या पड़ी, मेरा क्या काम दूसरा. आज लड़कियाँ यही कहती हैं, अगर किसी को कुछ कहा जाए ना तो वो कहती है हमें अपने से मतलब है, दूसरों से हमें मतलब नहीं है. अगर किसी को समझाया जाए तो वो यही कहते हैं भाई आप अपने से काम रखे, मेरा काम है मैं चलूंगा. लेकिन जो कौम का दर्द रखते हैं उनके लिए आज बड़ा आलमिया ये है. आज यीशु मसीह ने कहा था फसल तो बहुत है मजदूर थोड़े हैं. और मैं कहती हूँ कि आज आस्तर जैसी बेटियों की खुदा को बड़ी जरूरत है, उसके खेत में काम करने की बहुत जरूरत है. आज जब बाहर से लड़कियां आती हैं यहाँ पे मिशनरी और देखा जाए तो पाकिस्तान की लाइफ बहुत ज्यादा जो है सख्त है, वो भी तो कुंवारी लड़कियां होती हैं. आज हमारे माँ बाप को देखा जाए तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये कुंवारी है, इसको कहीं खिदमत के लिए नहीं भेजना. जब मैं उनकी जिंदगी देखती हूँ क्या वो कुंवारी नहीं होती, क्या वो उनकी बेटियां वो किसी की इज्जत नहीं होती, वो अपना सब कुछ तर्क करके हमारे लिए आ जाती है. अगर चर्च हिस्ट्री में देख लें तो इतनी ज्यादा खवातीन की खिदमत है कि आप हैरान हो जाएंगे. जब मैंने पढ़ी तो मेरा दिल करता था कि मैं मिशनरी बन जाऊं. सच्ची बात कह रही हूँ, कभी आप चर्च हिस्ट्री उठा के देखें औरतों को भी कैसे कत्ल किया गया है और कैसे उन्होंने अपनी जानें हथेली पे रख ली हैं सिर्फ हम लोगों के लिए, खुदा के लिए, खुदा के साथ वफादारी से चलने के लिए, हम तक अंजील की मुनादी करने के लिए. लेकिन आज हम बस घर तक महदूद हैं. आज माँ बाप की भी सोच यही है बस बेटियों की शादी कर दो इनको अपने घर भेजो. माजरत के साथ कहीं ना कहीं ठीक भी है, माँ बाप जैसे हालात हैं माँ बाप का भी फर्ज है, वो चाहते हैं कि हम अपना फर्ज अदा करें. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए दे दूँ, खुदावंद के लिए दर्द रखूँ, अपनी कौम के लिए दर्द रखूँ, दूसरों के लिए नमूने का बाइस बनूँ, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीना सीखूँ. हालेलुया. आज बड़ा दुनिया ये है और ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. क्या आप चाहते हैं कि हम भी अपनी कौम का दर्द रखें? क्या आप चाहते हैं कि हम भी अपनी कौम के लिए कुछ करें? क्या आज हमारी ताकि हमारी जान कौम भी खुदा के पास आए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे. आज बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी तक भी अंजील का पैगाम नहीं पहुँचा. क्या हम नहीं जा सकते? क्या सिर्फ खुदा अंग्रेजों को ही सुनता है मिशनरीज के लिए? नहीं, बल्कि खुदा चाहता है हमें जरूर ग्रंथ है अपने आप को पेश करने की, लेकिन जो हमसे नहीं होता. इसी तरह मैं जरूरत पे बात कर रही थी तो मैं जरूरत में एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे वो स्टोरी सही से तो याद नहीं, लेकिन मैंने एक बुक पढ़ी थी मैरी जोन्स की, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है, छोटी सी बुक है. तो उसमें वो जो 16 साल की कि 14 साल की ऐसी कुछ बच्ची थी, उसको बाइबल खरीदने का और पढ़ने का बड़ा शौक था. उसको बाइबल पढ़ने का इतना शौक था कि वो अपने घर से मीलों मीलों दूर जाकर जो है बाइबल पढ़ा करती थी. और पहले जमाने में आम इंसान बाइबल परचेज नहीं कर सकता था, खरीद नहीं सकता था. और उसकी इतनी ज्यादा ख्वाहिश थी, उसको इतनी ज्यादा खुदा से मोहब्बत, बाइबल से मोहब्बत होगी कि वो चाहती थी कि पूरी बुक पढ़ूं. मैं वो जानना चाहती थी कि उसमें क्या है, मैं खुदा के बारे में सीखना चाहती हूँ.
बहुत दूर दूर लेकिन उस जब वो पढ़ रही है वहाँ चर्च में जाके तो उसकी ये जरूरत पूरी नहीं होती. वो कहती है कि मैं इस बाइबल को खरीदूंगी. वो अपने माँ बाप से बात करती है तो उसका माँ बाप कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं लेके दे सकते. खैर इस दौरान वो क्या करती है कि कोई काम करती है, पैसे जोड़ती है, उसका माँ बाप भी उसकी मदद करता है. पता नहीं कितने सालों में उसने सिर्फ बाइबल खरीदने के लिए पैसे जोड़े होंगे. और फिर जब उसके पास पैसे वो सारे पूरे हो जाते हैं बाइबल खरीदने के लिए, तो बाइबल जो है किसी पास्टर के घर से मिलती है और वो घर बहुत दूर होता है. खैर वो क्या करती है, पैदल पैदल ही तब भी जाती है. और वो सफर बहुत ज्यादा है, मुझे याद नहीं आ रहा कितने मील का है, लेकिन बहुत ज्यादा वो चलती है. जाती है बाइबल खरीदती है. एक वो लड़की है और एक आज हम है. क्या आज कभी किसी ने चाहा है कि मेरे पास पैसे हो तो मैं बाइबल खरीद लूं? आज तो वैसे भी पास्टर साहबान खुद ही बाइबल दे देते हैं, लेकिन तब के जमाने में उस लड़की के पास बाइबल नहीं थी और उसने ये कहा था कि खुदा मैं बाइबल खरीदूंगी. उसको जरूरत थी इसकी. आज हमारी तीन जरूरतें और मैंने आपको बता दी है. ज्यादा मैं डीपली नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि मैंने आगे बहुत ज्यादा जो है और किरदार उसके और पॉइंट्स पे बात करनी है. लेकिन आज अलिया है, सोचिए अपनी जिंदगी में चेक करें क्या इन तीन चीजों से हटके हमारे लिए कुछ है. बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो खुदा की खिदमत करती हैं, मैं सबको नहीं कहती, बहुत सी ऐसी हैं, लेकिन आज बड़ा अलमिया यह है कि खुदा उनके बारे में कोई नहीं सोचती. अगर एक यतीम लड़की खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकती है तो हमें क्या है? क्या हम खुदा का काम नहीं कर सकते? क्या हम खुदा की बेटियां नहीं हैं? तीसरा पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे, दुआ को लड़की थी. जब इसको पता चला कि बादशाह के हुजूर जाना है, इजाजत भी नहीं मिली, तो अब क्या किया? इसने सबसे पहले जो काम किया था ना वो थी दुआ. दुआ हमारा ऐसा हथियार है जो अबलीस के मंसूबों को फेल करता है. दुआ ऐसी कुवत, ऐसी तौफीक है खुदा से मांगते हैं हम, जिसमें खुदा खुद फिर काम करता है. इसने कहा कि तीन दिन तक मैं रोजा रखूंगी और दुआ में ठहरूंगी. और इसने रोजा रखा, दुआ की, उसके बाद इसने जाके बादशाह के आगे अपनी अर्ज रखी थी. आज देखा जाए तो दुआ को अहमियत नहीं दी जाती. मेरा एक कजन था, वो मुझे कहता है कि मैंने क्वेटा में मस्बों पे पढ़ी, जो है ना मेरा बोझ है कि मैं मस्बों पे काम करूं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा जरूरत जो है दुआ की है और ये हमारी जिंदगियों में नहीं नजर आती. अगर हमने कोई काम शुरू करना हो तो हम खुदा को पहला वाला दर्जा नहीं देंगे, और जब काम नहीं होगा तो फिर हम कहते हैं कि खुदा तूने भी कुछ नहीं काम किया. इसकी जिंदगी में मैं एक बात ये सीखती हूँ कि जब भी इंसान कोई काम करे तो उसको दुआ के साथ शुरू किया जाए तो काम में खुदा की बरकत होती है और वो खुदा को खुदा की मर्जी उस काम में पूरी होती है. और सबूर नवीस भी कहता है 120 की पहली आयत में, मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया. मैं समझती हूँ कि आस्कर को पता था कि उसका खुदा जिंदा खुदा है. वो शेरों के मुंह बंद कर सकता है, वो आपकी जल्दी बंडी में से निकाल सकता है. वो ऐसा खुदा है जो मेरे मुल्क को दो हिस्से कर देता है. वो मेरी दुआ मेरी अंधविश्वास को क्यों ना सुनेगा, वो सुनेगा और मुझे जवाब देगा. आस्कर ने अपनी मुसीबत में खुदा से दुआ की, खुदा से फरियाद की कि खुदा मुझे बता कि मैं क्या करूं, मैंने जाना है और मेरे रास्ते हमवार कर. मुझे लगता है उसने अपने दिल में यह दुआ की होगी. अगर देखा जाए तो आज हम दुआ को कुछ भी नहीं समझते, और अगर हम दुआ करें भी तो एक दो मिनट की होती है. हम खुदा से पूछते नहीं, हम खुदा को बता रहे होते कि मैं ये काम कर रहा हूँ नहीं. लेकिन उसने तीन दिन रोजे में ठहर कर दुआ की. आज जरूरत है कि अगर हम खिदमत ना भी करें, कहीं ना भी जाएं, मैं कहती हूँ कि अगर लड़कियां घर बैठे ही सिर्फ दुआ कर लेना तो मैं कहती हूँ दूसरों के लिए शिफायत कर लें कि उसके आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की, दूसरों के लिए शिफायत करने वाले, दूसरों के लिए आंसू बहाने वाले. क्या आज
हमें नजर आती हैं, जहां पे सिस्टर एलिस जैसी कोयटा शहर में हमारे लिए बाइबल स्कूल तामीर किया, ताकि हम खुदा के कलाम से फेर और सुदा हो, ताकि हम खुदा के कलाम को पढ़ सकें। लेकिन हम वहां के वहां नहीं, हम इस चीज पर अपनी निगाहें नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमारी जरूरत तो नहीं है, हमारी चीजें तो हमारी जरूरत तो नहीं है। आज मैं कहती हूँ बड़ा आलमिया है, दुआ की जाए, दुआ के वसीला से ऐसी बेदारी आती है। आप से आलबर्ट कन्वेंशन को देख रहे, उसकी जो बुनियाद थी वो यही थी कि दुआ, लोगों ने दुआ की, रोजे रखे और खुदा का जलाल जाहिर हुआ। जब जब मसीहत में बेदारी आई है उसकी वजह से फेंकी हुई है, सिर्फ दुआ, दुआ रोजा, दुआ रोजा, दुआ रोजा। लेकिन आज हम दुआ को और रोजे को कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन खुदा, जब हम खाकसार होते हैं तो खुदा हमारी दुआओं से जाओ सुनता है और हमें जवाब देता है। जब जब आप चाहते हैं कि आपकी कौन जिम्मेदारी हो, आपका किरदार पाक हो, आप दूसरों के लिए दर्द रखने वाले हो, तब तक दुआ कीजिए कि खुदावन, अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं जानता हूँ कि तू कर सकता है और तू करेगा। मेरा ईमान है, मेरा तवक्कुल है तुझ पर, और जिसका तवक्कुल खुदा पर होता है खुदा उसे शर्मिंदा होने नहीं देता। खुदा उसकी बिना चाहतों को इल्तिजाओं को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया। इसी तरह हम देखें तो जब पतरस रसूल जेल में थे, अमाल द्वारा का पांचवी आयत में क्या वाक्या है, तो पतरस जेल में था तब भी कलीसिया ने बदीलो जान दुआ की थी। आज मैं कहती हूँ कि ये शाम को 5 से 6 बजे जो दुआ है, मैं भी नहीं आती उसमें। मैं एक दिन आई हूँ लेकिन मुझे इतनी तादाद नजर नहीं है जितनी आनी चाहिए। जब पतरस रसूल जेल में थे, कैद में थे तो कलीसिया बदीलो जान कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ दुआ कर रही थी, बदीलो जान। और जब जब किसी ने दुआ की है यूनिटी में, यकानगत में, रफाकत में, खुदा ने अपने आसमान को खोला है और बरकतों पर नाजिल फरमाया है। खुदा ऐसा खुदा है जो हमारी दुआ का जवाब देता है, हम उसके आकर उसे दुआ करते हैं और हमारे ख्यालों को समझे सुनता है। और इसकी जो चौथा पॉइंट है वो है दलेर लड़की। खैर, जब पता चल गया कि जाना है, क्या पता हलाक हो जाओ, और वो कहती है मैं अपनी कौम के लिए जाऊंगी, अगर मैं हलाक हुई तो हुई, डरती नहीं है, अपने कदम पीछे नहीं कर लेती कि मैं नहीं कर सकती ना अपने बाप क्या जो है हुक्म को जो है ना मानती है, ना ही खुदा के नजर में नाफरमानी करती है और ना ही अपने बाप की नजर में, बल्कि दोनों की फरमाबरदारी करती है और खुदा से तौफीक मांगती है कि खुदा मुझे तौफीक दे के मैं जाऊं। अब मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ, कहीं आप समझेंगे सुनी ना हो जाए। अच्छा, कल ना मुझे पता चला कि पास्टर साहब नहीं जा रहे, वापिस आ गए, पास्टर आशर मेरे घर में थे। अच्छा, मैंने कहा पास्टर साहब नहीं जा रहे, मेरे सर मन में वो इतनी होंगे, तो कहते हाँ, मैंने कहा सुबह सुबह चले जाएंगे, तो वो कहते नहीं। चल ठीक है, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि सुबह सुबह चले जाए या नाने सरमन सुना के। मैंने कहा मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या करूंगी, खैर पड़ी मैं रात तक मैं परेशान रही हूँ। लेकिन जब मैंने आस्टर का ये पॉइंट खुद निकाला, बाइबल को पढ़ा कि वो दलेर लड़की थी, किसी से नहीं डरती थी, उसने खुदा का काम करना था तो उसने किसी इंसान को नहीं देखा, उसने सिर्फ अपनी आंखें खुदावंद पर लगाई थी। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। उसने भी यही किया होगा, उसने भी अपना तवक्कुल खुदावंद पर लगाया होगा। और फिर मुझे जब ये बात पता चली, मैंने कहा मैं तो पास्टर साहब से डर गई, फिर मैंने कहा खुदावंद में नहीं डर गई, डर के मारे पीछे हट गए थे। लेकिन पहली बार चाइना जैसे मुल्क में
ہو رکھے ہالیلویہ اپنے لیے خود تعلیم میں ہے اپنے خاندان کے لیے اپنی قوم کے لیے
لیے اپنی سہیلیوں کے لیے برکت کا باعث بنی. آج آپ پہ میں چھوڑتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا آپ کا کردار مسیح کی خوشخبری کے موافق ہے. کیا آپ دعا کو لڑکی ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, میں قوم کو بچانے کا وسیلہ بن سکوں؟ خدا مجھے بچا. میں آپ کو ایک ہی بات بولوں گی کہ جب جب انسان گناہ میں گرتا ہے تو وہ کبھی بھی خود کو خود سے ریلیز نہیں کر پاتا. میں ایک ہی بات بولوں گی کہ صرف اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے اور جسم کے کاموں کو روح سے نیز تو نہ بھول کرے. کہے کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ میرا ذہن پاک ہو, میرا کردار پاک ہو, میں پاک ہو جاؤں, تجھے پاکیز کی پسند ہے. میں دعا کو لڑکی بننا چاہتی ہوں لیکن میرے راستے میں یہی رکاوٹیں ہیں جو مجھے تیری طرف مائل نہیں ہونے دیتی, جو مجھے تیری طرف آنے نہیں دیتی. میں چاہتی ہوں کہ ان رکاوٹوں کو تو دور کرے. تو تب تک جب جب آپ خدا کو دیکھیں, اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنا آپ خدا کو دیکھیں, خود سے کر کے دیکھ لیں. میں نے بھی 8 سال تک اسی طرح ذہن کے میدان جنگ میں صرف جنگی جنگ. یقیناً جب میں نے پھر اپنا آپ خدا کو دیا تو خدا نے میرے راستے ہموار کیے, مجھے بتایا کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور یقیناً خدا کی نظر میں عورتوں کی بڑی اہمیت ہے. بے شک آج عورتوں نے خود اپنی اہمیت دلائی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں آپ کو بہت بڑے پیمانے پہ استعمال کرے گا. اور ایک آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں, فلپیوں کے خط میں ہے, چوتھا باب, تیرویں آیت, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کرتا ہوں. اور یہ آیت ہمیشہ جب میں تو رو رہتی ہوں, میں ڈر جاتی ہوں, کل بھائی نے مجھے یاد کروائی کہ نا فلپیوں کی ایک آیت یاد رکھا کر, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو پاک کر سکتی ہوں. دیکھیں خدا پہ چھوڑیں. بہت سی ایسی روحانی جنگ ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم اس سے واقف نہیں ہوتے. اندیکھی دنیا میں میں کہتی ہوں کہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے ماں باپ بھی اس سے واقف نہیں ہوتے, اور وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو غلط کہتے ہیں. میں بھی ایسی میں کہتی تھی نہیں, یہ جو ایسے کام کرتے ہیں بس یہ غلط ہی ہوتا ہے. لیکن میری ذہنیت تب بدلی گئی جب میں نے روحانی جنگ پڑھی. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں, اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ہماری بیٹیوں کو آستر جیسا کردار دے دے, آستر جیسا بنا دے, ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. آئیں چند لمحات کے لیے اپنے صرف خداوند کے حضور چھوڑیں.